आज हम बात करेंगे क्या बेरेट्रिक सर्जरी, वेट लॉस सर्जरी के बाद हम अल्कोहल यानी कि शराब और स्मोकिंग यानी कि सिगरेट का कंजम्पशन कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो बहुत लाइफस्टाइल में ऑल्ट्रेशंस होती हैं, खाना पीना, सोने की हैबिट्स, एक्सरसाइज, बहुत चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं कि जिसकी वजह से धीरे धीरे बॉडी में फैट बनने लग जाता है और हमें मोटापे के साथ बहुत बीमारियां भी लग जाती हैं। और हमारे को ये सवाल अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अभी मैं इतनी ड्रिंक करता हूँ, ऑपरेशन के बाद मैं ड्रिंक कर पाऊँगा कि नहीं, ऑपरेशन के बाद मैं स्मोक करूँगा कि नहीं। तो उसका जवाब हमारी तरफ से हमेशा यही रहता है, कोई भी चीज़ मॉडरेट अमाउंट में शरीर को नुकसान नहीं देती। अभी अगर कोई ऑपरेशन से पहले रोज़ आधी विस्की की बॉटल पीता है, जो कोई रिकमेंड नहीं करता, जो आपकी बॉडी को, लिवर को, पैनक्रियास को लॉन्ग टर्म में ख़राब करेगी, तो ऑपरेशन के बाद हम ये रिकमेंड करते हैं आप हफ्ते में एक दो दिन थोड़ा सा, एक दो छोटे छोटे बैग्स पी सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, मॉडरेट अमाउंट में विस्की या वाइन की कंजम्पशन बुरी नहीं है। नंबर टू, स्मोकिंग। अगर हम स्मोकिंग की बात करें तो मेरा अक्सर ये आम क्वेश्चन रहता है सबसे कि स्मोकिंग की जो सिगरेट की डब्बी है उसके ऊपर हमेशा कैंसर बना रहता है। तो स्मोकिंग तो वैसे ही बहुत ख़तरनाक है। आप एक्टिवली स्मोक कर रहे हैं या आपकी फैमिली पैसिवली स्मोक कर रही है आपकी एक्टिव स्मोकिंग के साथ, तो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। पर वंस इन ए वाइल अगर आप हफ्ते में या 10-15 दिनों में एक दो सिगरेट्स पीते भी हैं तो भी वो कोई ख़तरा नहीं देती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अल्कोहल और सिगरेट पीजिए आफ्टर सर्जरी, बट यस, अगर आप पहले उसका सेवन करते हैं तो ऑपरेशन के बाद भी आप उसका लिमिटेड अमाउंट में कंजम्पशन कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी को कोई डैमेज ना होए और आप लॉन्ग टर्म में हेल्दी, फिट और हैप्पी रहिए। थैंक यू।